Hey guys, welcome back to Super Mom. I'm Bhavna, mom of two kids. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 9 मंथ पे वो कौन से काम करने हैं कि जिससे आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो. I'm a mom of two kids, जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. तो मैं आपको जितने भी पॉइंट बताऊंगी वो सब आपने 9 मंथ के शुरू होने पर ही आपने वो सारी चीजें करनी है. 1 मंथ तक आपको उसमें से कुछ भी काम नहीं करना है. अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक करके शेयर जरूर करें. और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मेनी मोर वीडियो रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी डिलीवरी टिप्स चाइल्ड केयर एंड सेफ्टी एंड फॉर द ट्रैवलिंग वीडियोस. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो द फर्स्ट थिंग इज आपको क्या करना है, डेट्स खाने हैं. यानी कि आपको जैसे 9 मंथ स्टार्ट हो जाए जिसे हम खजूर बोलते हैं, कुछ लोग जो है छुहारे भी प्रेफर करते हैं खाना और डेट्स भी खा सकते हैं. दोनों जो है सेम ही काम करते हैं. हीटिंग प्रॉपर्टी होती है दोनों में, जिससे क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी के जो पेन्स है वो आने स्टार्ट होते हैं. मैंने जो है बेटी के टाइम में छुहारे खाए थे, उनको मैंने उसके अंदर का सीड जो होता है बीज वो निकाल दिया था, उसको पीस के पाउडर बना लिया था और मैं उसको दूध में डाल के पीती थी. और बेटी के टाइम में भी मैंने क्या किया, डेट्स प्रेफर करे थे क्योंकि उस टाइम कोरोना भी चल रहा था तो पैकिंग में आते हैं तो मुझे उस टाइम सेफ लगा था. तो उस टाइम मैंने डेट्स खाए थे. तो डेट्स या जो छुहारे होते हैं, डेट्स मीन्स खजूर और छुहारे जो उसका ड्राई फॉर्म होता है उसको हम छुहारे बोलते हैं, तो वो आपको लाने हैं. अगर छुहारे लेके आते हैं तो आपको क्या करना है, उसके अंदर का सीड जो है बीज निकाल के उसको आप मिक्सी में चला के उसका पाउडर बना लें और उसको क्या करें आप दूध में 1 चम्मच जो है सुबह शाम लें. उससे क्या होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. और अगर आप छुहारा वाला ये तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा जो है खजूर जो होती है जिसको हम डेट्स बोलते हैं आप वो ले आए और आपको डेट्स खाने हैं. जितना आपका मन करे आप वो खाएं. 9 मंथ में कोई भी रोक टोक नहीं है कि आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है. आप जितना एक बार में खा सके आपकी मर्जी है, आप खाएं. क्योंकि डेट्स जो है वो नुकसान नहीं देंगे, डेट्स जो है हीट पैदा करेंगे बॉडी के अंदर. और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है हीट बहुत ज्यादा जरूरी है. जब आपको हीट होगी आपकी, आपको मतलब बॉडी आपकी गर्म होगी, हीटिंग प्रॉपर्टी जो है डेट्स जो है छोड़ेगी, तो उससे क्या होगा नॉर्मल जो आपके डिलीवरी के पेन है वो आपके नेचुरल पेन स्टार्ट हो जाएंगे. क्योंकि कहते हैं कि 9 मंथ में आपको गर्म चीजें खानी है. सेकेंड थिंग इज वॉकिंग. मैंने जो है 1 मंथ तक बिल्कुल भी वॉकिंग नहीं करी थी दोनों ही बच्चों के टाइम पे, क्योंकि मुझे था कि 1 मंथ तक मतलब बच्चा ना हो तो ही अच्छा है, जितना हो सके आखिरी मंथ तक हम अपने जो प्रेगनेंसी है उसको खींच सके. तो मैंने जो है 9 मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ मैंने वॉकिंग तब स्टार्ट करी. तो आफ्टर डिनर मैं 1.5 से 2 घंटे भी वॉक करती थी. 9 मंथ मैंने बहुत वॉक किया, 1.5-2 घंटे मैं डेली वॉक करती थी. और मेरी फुल टर्म प्रेगनेंसी थी, यानी मेरे दोनों ही बच्चे 9 मंथ के एकदम लास्ट में हुए हैं. तो मैंने क्या किया, 9 मंथ में बहुत सारी वॉक करी, 1.5 से 2 घंटे रात को आफ्टर डिनर में वॉक करती थी. तो आपको क्या करना है, 1 मंथ तक मैं यही कहूंगी कि वॉकिंग मत करो. कई बार क्या होता है अगर आप स्टार्टिंग में मतलब 7-8 मंथ से ही वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं थोड़ी थोड़ी भी, तो ये हो जाता है कि डिलीवरी जो है जल्दी होने के चांस होते हैं. बट हमें है कि बच्चा जो है फुल टर्म हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है. मीन्स इनकेस अगर आप घर का कोई काम नहीं करते तो आप थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारा घर का काम भी खुद मैनेज करते हैं तो आप 1 मंथ तक बिल्कुल भी वॉक नहीं करें. मेरे केस में क्या था, मैं दोनों ही बच्चों के टाइम पे घर का सारा काम खुद करती थी. पूरे 9 मंथ मैंने सब कुछ अकेले मैनेज किया था तो इसलिए मैं वॉकिंग नहीं करती थी. मैं खुद को ज्यादा जो है एग्जॉस्टेड नहीं करना चाहती थी उस टाइम पे. और मैं ये भी चाहती थी कि बच्चे जो है फुल टर्म ही हो, 1 मंथ में डिलीवरी ना हो. तो इसलिए अगर आप पूरा घर का काम खुद मैनेज कर रहे हैं तो आप जो है 1 मंथ तक वॉकिंग ना करें और 9 मंथ स्टार्ट होते ही अपनी वॉकिंग स्टार्ट कर दें. और जितना आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं, मैं 1.5 से 2 घंटे बड़े आराम से वॉक कर लेती थी. तो अगर आप जितना कंफर्टेबल वॉक कर सकते हैं आप उतना वॉक करें 9 मंथ में. जितना आप ज्यादा चलेंगे उतना नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ेंगे. नेक्स्ट थिंग इज आपको जो है बैठ के मोप करना है. अब आज के टाइम पे क्या होता है, किसी को अगर बोलो कि बैठ के मोप करना है तो उन्हें लगता है कि क्या मतलब पहले की चीजें बता रहे हैं, बैठ के मोप आज के टाइम पे कौन करता है, कॉम्प्लिकेशंस हो गए ये वो, मतलब आजकल लोग इस तरह से बोलते हैं. लेकिन और वही जब डॉक्टर बोलता है कि आपको डक वॉक करनी है तो वो आजकल की जो लेडीज है उनको वो बड़ा अच्छा फील आता है कि अच्छा डॉक्टर ने बोले डक वॉक करनी है, देन दे आर ओके विद दैट थिंग. तो गाइस जो डक वॉक है और जो बैठ के मोप लगाना है दे बोथ आर द सिमिलर थिंग, दोनों ही सेम चीजें हैं. डक वॉक भी उसी तरह से होती है और जिस तरह से आप बैठ के मोप लगाते हैं सेम तरह से. तो मैंने क्या किया था, जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया था तब मैंने जो है बैठ के मोप लगाना शुरू किया था. उससे पहले जो है मैं स्पिन वाला मोप यूज करती थी, जो डबल बकेट वाला आता है, जो मोप है वो स्पिन भी हो जाता है, स्टैंडिंग मोप है, वो यूज करती थी 8 मंथ तक. और जैसे 9 मंथ स्टार्ट हुआ मैंने जो है बैठ के मोप लगाना शुरू कर दिया. बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि 9 मंथ तक जो है हमारा बेली फैट बहुत बढ़ चुका होता है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट विद दैट मच बेली फैट. बट स्टिल धीरे धीरे करके आपको जो है बैठ के मोप लगाना है. बैठ के मोप लगाने के बेनिफिट ये है कि जो आपकी पल्विक बोन होगी
वो वाइड हो जाएगी, वो ओपन होगी और बच्चे के लिए जो है नीचे एंगेज होने का रास्ता बनेगा उससे। और सेकंड थिंग इज जो आपका सर्विक्स है वो भी जो है सॉफ्ट होगा, उसको जो है 10 सेंटीमीटर ओपन होना होता है, तो जब आप बैठ के वॉक करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, 8 मंथ तक अगेन आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक्टिव रहना है। 9 मंथ स्टार्ट होने पर आपको बैठ के वॉक लगाना है, वही जिसको आप डक वॉक बोलते हैं। अगर आप बैठ के वॉक नहीं लगाना चाहते तो इट्स ओके, यू कैन डू डक वॉक, बट यही है कि घर की सफाई भी मुझे करनी होती थी तो मैं बैठ के वॉक लगाती थी, तो उसके बेनिफिट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बैठ के वॉक जरूर लगाइए 9 मंथ के स्टार्टिंग से ही। नेक्स्ट थिंग इज देसी घी। 8 मंथ तक मैंने बिल्कुल भी देसी घी नहीं खाया था, वही चीज की मैं चाहती थी कि डिलीवरी पहले ना हो इसलिए। तो 9 मंथ स्टार्ट होते ही मैंने जो है दूध में देसी घी डालना शुरू कर दिया था। मेरे हस्बैंड ने जो है आमंड यानी बादाम और मैंने जो आपको बताया कि छुआरे उसका पाउडर बनाया हुआ था, और साथ में वो क्या करते थे प्रोटीन पाउडर, जो आप भी आप से मतलब जितनी भी मदर हैं जो एक्सपेक्ट करी है बेबी जो प्रेग्नेंट है वो लोग प्रोटीन पाउडर लेती होंगी, तो दूध का एक गर्म गर्म ग्लास करके उसके अंदर 1 चम्मच बादाम का पाउडर, 1 चम्मच जो है काजू का पाउडर डालते थे हस्बैंड, 1 चम्मच जो है छुआरों का पाउडर डालते थे और साथ में प्रोटीन पाउडर डालते थे, और उसमें जो है 2-3 चम्मच देसी घी डाल के वो मुझे देते थे रात को सोने से पहले। तो इस तरह से आप जो है अपने लिए दूध बना सकते हैं, ये इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एक तो इसके सारे ड्राई फ्रूट पाउडर डले हुए हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अनदर थिंग इज इसमें जो है छुआरे का पाउडर डलता है दूध में, तो वो मैंने आपको बताया कि वो हीटिंग प्रॉपर्टी होती है, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और अनदर थिंग इज देसी घी, देसी घी के लिए ऐसा बोलते हैं कि अंदर जो है चिकनाहट वगैरह हो जाती है, जो आपका डिलीवरी ट्रैक होता है वो चिकना हो जाता है, इस तरह से जो एल्डर्स हैं वो बोलते हैं, उससे क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो दूध में जो है देसी घी आप जरूर लें, 2 से 3 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं तो सुबह शाम लें, और अगर आप सिर्फ रात को प्रेफर करते हैं तो रात को, मैं 2 टाइम लेती थी सुबह शाम, तो इस तरह से ही दूध रेडी करके मैं लेती थी। देसी घी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, बट 8 मंथ तक जो है देसी घी अवॉइड करें, 9 मंथ के स्टार्टिंग से ही आपको जो है देसी घी भी लेना है। 8 मंथ तक आप चाहें तो चपाती भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, बट दाल में भर भर के डालना, सब्जी में दूध में डालना, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करें। तो 9 मंथ से जो है देसी घी आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और दूध में डाल के पीना सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, तो दूध में डाल के जरूर देसी घी पिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टे एक्टिव। अगर आपको डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको बेड रेस्ट लेना है, इन दैट केस आप बेड रेस्ट लें, लेकिन अगर आपको आपके डॉक्टर ने नहीं कहा कि आपको बेड रेस्ट लेना है तो स्टे एक्टिव, आप जो है एकदम एक्टिव रहेगा, यानी कि घर का जितना मैक्सिमम काम हो सके आप खुद से करें। आप प्रेग्नेंट है, आप बीमार नहीं है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में काम करना घर का इट इज वेरी नॉर्मल। कुछ जो मदर्स हैं आप में से जितने वीडियो देख रही होंगी, मे बी वो लोग जो है वर्किंग रही हो, यानी ऑफिस या फिर टीचिंग जॉब जो भी है उन्होंने कंटिन्यू रखा हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, तो आपको एक्टिव रहना है, आप बीमार नहीं है क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। सिर्फ जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प मिलेगी। मेरा क्या था कि डॉटर के टाइम थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन हुए थे, तो 5th मंथ तक मेरा बेड रेस्ट चला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा 5th मंथ क्रॉस हुआ, 6 मंथ से मैंने जो है घर का सारा काम खुद किया, यानी कि खाना बनाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, और इवन मैं तो बकेट ले लेके बाहर से पूरा गैलरी वगैरह धोती थी अच्छे से। कपड़ों का ये था कि मेरे पास जो है फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो वो काम जो है खुद से धुल जाते थे, बस मुझे बाहर हैंग करने होते थे, लेकिन बाकी सारा काम जो है घर का मैंने खुद मैनेज किया। और बेटे के टाइम जो है मैं अपनी 9 मंथ की डॉटर भी खुद मैनेज करती थी, प्लस घर का सारा काम, आई वॉज वेरी एक्टिव उस टाइम। तो मैं मतलब बेटी भी छोटी थी तो मुझे उसका भी ख्याल रखना था। कोरोना जो है स्टार्ट हो गया था, जब मेरा 3rd मंथ प्रेगनेंसी का रन था तो उस टाइम कोरोना भी जो है स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम मैं घर में 2-3 बार जो है झाड़ू पोछा वगैरह कर देती थी डेटोल डाल के, क्योंकि बेटी ने फर्श पे खेलना होता था पूरा दिन, तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी बेटे के टाइम भी और बेटी के टाइम भी। तो आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी, जितना ज्यादा आप घर के काम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आपको 9 मंथ से स्टार्ट करने हैं, लेकिन 9 मंथ से पहले यानी कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो 8 मंथ तक आपको एक्टिव रहना है, घर के मैक्सिमम काम जितना आपको हो सके आप खुद करें। आपको जो है आटा गूंदना, सब्जी बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े संभालना, जितना काम हो आपको सारा खुद से ही मैनेज करना है। आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ रहेगी नॉर्मल डिलीवरी को बियर करने के लिए। तो आपको जो है एक्टिव रहना है, मेरे लास्ट पॉइंट यही है। तो गाइस क्या होता है कि जो मदर है वो ये सोचती है कि नहीं हम प्रेग्नेंट है, कई बार इन लॉज वगैरह भी ये कहते हैं, अगर मदर इन लॉ बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो तो वो भी ये कहते हैं कि नहीं ये काम मैं कर लूंगी, आप बैठो आप रेस्ट करो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको एक्टिव रहना है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको जो है कोई भी हैवी बकेट्स वगैरह नहीं उठानी है, हैवी सामान नहीं उठाना है। हैवी सामान उठाने से क्या होगा,
जो आपका वाटर बैग है वो जल्दी जो है बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, आपका वाटर लीकेज हो सकता है। तो आपको जो है बहुत भारी भारी बकेट वगैरह उठानी नहीं है। जब मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में बाहर से वॉश वगैरह भी करती थी तो मैं एक छोटी बकेट मैंने इतनी सी रखी हुई थी एकदम, उस छोटी सी बकेट का मैं यूज करती थी, उसी बकेट से जो है मैं बाहर से वॉश वगैरह करती थी। तो आपको बहुत ज्यादा भारी चीजें नहीं उठानी है, भारी सामान नहीं उठाना है। जितनी कोशिश हो सके प्रेगनेंसी को जो है लास्ट टर्म तक आप लेके जाइए, यानी कि 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है, हो सके तो 38 वीक या 40 वीक तक आराम से उसको लेके जाइए आप। तो उसके लिए आपको यही करना है कि भारी सामान वगैरह आपको नहीं उठाने हैं, जितना आपको लगेगी आप उठा सकते हैं उतना ही करिए। लेकिन मतलब मेरे साथ था कि हाँ मुझे मेरी बेटी उठानी पड़ती थी उस टाइम पे, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम, तो मैं बहुत ही केयरफुली होके उसको उठाती थी। मतलब उस टाइम पे मैंने काफी सारे आर्टिकल पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि अगर आपके पास जो है 2 साल तक का कोई टोडलर है तो आप उसको उठा सकते हैं, तो मैं उसको उठा लेती थी क्योंकि वो भी छोटी थी उस टाइम, उसको मेरी नीड थी। तो ये सारी टिप्स है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो कि आपको 9 मंथ से स्टार्ट करनी है। 8 मंथ तक आपको सिर्फ एक्टिव रहना है। वॉकिंग भी मैं यही कहूंगी कि अवॉइड द वॉकिंग, अगर आप घर के सारे काम खुद करें तो अवॉइड द वॉकिंग। वॉकिंग करने से क्या होगा कि आपको मतलब वही होगा कि डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, बच्चा जल्दी एंगेज हो जाता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के जो है बहुत सारे बेनिफिट है, आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाती है और जितना दर्द है बस आपको वो लेबर रूम में जो है झेलना है, उसके बाद होल लाइफ आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सीजन में ये होता है कि आपको उस टाइम कोई दर्द नहीं होगी लेकिन वो होल लाइफ के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पेन की प्रॉब्लम रह जाती है। तो इसलिए जितना कोशिश हो सके नॉर्मल डिलीवरी ही करिएगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही आप ट्राई करें। और गुड लक टू एवरीवन जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लास्ट में लाइक करके शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले अपना नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मेनी मोर वीडियोस। सी यू सून इन समथिंग न्यू, टिल देन बाय।